तो दोस्तों आज का पहला अपडेट निकल कर आता है वन प्लस नोर्ड स्मार्टफोन को लेकर। तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G और क्वाड रियर कैमरा के सेटअप के बाद आज वन प्लस ने ऑफिशियल ही अनाउंस कर दिया है कि इस स्मार्टफोन के अंदर हमें एमोल्ड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। जी हाँ, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यहाँ पर एक मीम शेयर किया है जो कि इसी बात की ओर इशारा करता है कि यहाँ पर हमें एमोल्ड डिस्प्ले देखने को मिलेगा। आज का दूसरा अपडेट निकल कर आता है सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा स्मार्टफोन को लेकर। तो इस स्मार्टफोन की लाइव हैंड्स ऑन वीडियो निकल कर आ चुकी है जिसको आप देख रहे हो, और ये वीडियो उसी बंदे ने पोस्ट की है जिसने कुछ दिनों पहले इसके कुछ फोटो शेयर किए थे। हालांकि मैं यहाँ पर ये पूरा वीडियो तो प्ले नहीं कर सकता कॉपीराइट इशू के चलते, लेकिन मैंने इस फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, तो आप वहाँ पर जाकर इस वीडियो को देख सकते हो। आज का तीसरा अपडेट निकल कर आता है Xiaomi Mi Band 5 को लेकर। तो जैसा कि आपको पता है Mi Band 5 काफ़ी दिनों पहले 2000 रुपये की शुरुआती कीमत में चाइना के अंदर लॉन्च हो चुका है, और अब ये बैंड ग्लोबली और इंडिया के अंदर भी आने वाला है क्योंकि आज सुबह सुबह यह स्मार्ट बैंड FCC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर पकड़ा गया है जिसको लेकर इसके कुछ फोटोज़ बाहर निकले हैं, और ये इस बात की ओर हिंट करता है कि ये स्मार्ट बैंड हमें इंडिया के अंदर तकरीबन एक महीने के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। आज का चौथा अपडेट निकल कर आता है Redmi Note 9 स्मार्टफोन को लेकर। तो ये स्मार्टफोन भी काफ़ी दिनों पहले ग्लोबली लॉन्च हो चुका है, और अभी ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर आने वाला है क्योंकि माई स्मार्ट प्राइस ने यहाँ पर एक पोस्ट डाला है जिसमें उन्होंने बताया है कि ये स्मार्टफोन हमें जुलाई के लास्ट वीक में इंडिया के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। बाकी ये स्मार्टफोन 11-12 हज़ार रुपये कीमत के आसपास आएगा जहाँ पर हमें कुछ सही से फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। आज का अगला अपडेट निकल कर आता है Realme C11 स्मार्टफोन को लेकर। तो पिछले महीने की 26-27 तारीख के आसपास ये स्मार्टफोन मलेशिया में और इंडोनेशिया के अंदर लॉन्च हो चुका है जिसकी कीमत तकरीबन 8-9 हज़ार रुपये है, और काफ़ी सही से इसके अंदर फीचर्स हैं, और अब ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर भी आने वाला है क्योंकि Realme इंडिया और मिस्टर माधव सेठ यहाँ पर कुछ फोटोज़ वगैरह ट्विटर पर शेयर कर रहे हैं जिसके अंदर जो मेन हाईलाइट है वो है इसका सी अल्फाबेट। जी हाँ, यहाँ पर उन्हें सी को हाईलाइट किया गया है क्योंकि Realme सी सीरीज की तरफ हिंट करता है, और हिंट करता है कि Realme सी 11 हमें काफ़ी जल्दी इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। आज का छठा अपडेट निकल कर आता है Realme X50 स्मार्टफोन को लेकर। तो ये स्मार्टफोन आखिरकार यूरोप के अंदर लॉन्च हो चुका है 30,000 रुपये की शुरुआती कीमत पर, जहाँ पर हमें क्वाड कैमरा का सेटअप और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G चिपसेट देखने को मिलता है। लेकिन अगर ये स्मार्टफोन इंडिया में आएगा तो मुझे नहीं लगता इसकी प्राइसिंग 30,000 ही होने वाली है। अगर ये स्मार्टफोन इंडिया में 25-26 हज़ार के ऊपर लॉन्च होता है तो भी मुझे नहीं लगता ये स्मार्टफोन इंडिया में कुछ खास धमाल कर पाएगा। बाकी अभी के लिए कोई अपडेट या फिर लीक नहीं है इसके इंडिया लॉन्च को लेकर। तो आज का सातवां और आखिरी अपडेट निकल कर आता है Asus ROG Phone 3 को लेकर। तो आखिरकार Asus इंडिया और Flipkart ने ऑफिशियल कर दिया है कि स्मार्टफोन इंडिया के अंदर भी 22 जुलाई को देखने को मिलेगा। तो इसका लॉन्च इवेंट आप 22 जुलाई को रात के 8:15 पर YouTube पर देख सकती हो। साथ साथ उन्होंने बताया है कि इस स्मार्टफोन के अंदर हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 प्लस चिपसेट भी देखने को मिलेगा जो कि अब तक का सबसे फास्टेस्ट चिपसेट है एंड्रॉयड मोबाइल्स की दुनिया में। और कुछ लीक्स की माने तो यहाँ पर हमें 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी 30 वोल्ट की चार्जिंग के साथ, और 144 हर्ट्ज की 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाएगा। और इस बार इस फोन के ब्रांड एम्बेसडर हैं मिस्टर कैरी मिनाती जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हैं टिकटॉक की वीडियोस के चलते। तो दोस्तों बस आज सुबह सुबह के जो भी लीक्स जो भी अपडेट वगैरह थे स्मार्टफोन्स के रिगार्डिंग वो यही थे। दिन में जो भी लीक्स वगैरह आएंगे वो आपको शाम की वीडियो में बता दूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं रोजाना की 2 वीडियोज़ बनाता हूँ लीक्स के रिगार्डिंग। बाकी मैं मयंक कुमार मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।